दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कल्पेश सपकड़े पर। तो मैं आज करूंगा बोलेरो न्यू का रिव्यू, जो हमारा N10 वेरिएंट होने वाला है। कुछ इस तरीके की मिल जाती है हमको बोलेरो न्यू में। ये जो है TV का नाम चेंज करके बोलेरो न्यू रखा है, और कुछ थोड़े से फीचर हैं जो आपको थोड़े अलग मिलेंगे, कलर वाइज बोलो या कुछ क्रोम वाइज। आप देख सकते हो ये यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलाइट्स, मेन हेडलाइट्स, हैलोजन हेडलाइट्स आपको मिल जाते हैं। और यहाँ पे DRL का ऑप्शन ऊपर के साइड में, कुछ ग्रिल बोलेरो न्यू की, यदि आप देख सकते हो महिंद्रा का लोगो, ये वाइट कलर आप देख रहे हो। टोटल 6 कलर्स इसमें मिल जाते हैं हमको बोलेरो न्यू में। नीचे फॉग लाइट का ऑप्शन, ब्लैक कलर में ग्रिल दी गई है बोलेरो न्यू की। काफ़ी रफ एंड टफ SUV ये है बोलेरो नियो, जो काफ़ी अच्छा और स्पेसियस है अंदर से भी और बाहर से भी। ये साइड में चलते हैं, यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप मिल जाते हैं आपको बोलेरो नियो में। और टायर साइज़ की बात करें तो R15 इंचेस के हमको टायर्स मिल जाते हैं विथ अलॉय व्हील्स, सिल्वर कलर में अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको। ये साइड का लुक, मैनुअल मिलता है आपको इसमें वॉरवियम्स, यहाँ पे ब्लैक स्ट्रिप बोलेरो न्यू की, ये आप देख सकते हो। फुट रेस्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है आपको बोलेरो में। बोलेरो न्यू और बोलेरो में काफ़ी सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं। कुछ लुक बोलेरो न्यू का, यहाँ पे फ्यूड लिट का ऑप्शन, 45 लीटर्स का टैंक मिल जाता है आपको बोलेरो नियो में डीजल का। बैक साइड दिखते हैं, कुछ इस तरीके की बैक साइड मिल जाती है आपको बोलेरो नियो में। यहाँ पे बोलेरो का नाम और यहाँ पे नियो की बैजिंग। ऑल 5 डोर्स में ब्लैक मिल जाता है आपको फिनिशिंग। यहाँ पे स्पेयर व्हील, कुछ इस तरीके के साइड में भी ऑप्शन मिल जाता है फुटरेस्ट का। कुछ नीचे की साइड में हमको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं यहाँ पे, आप देखिए। कैमरे की बात करें तो आप आफ्टर मार्केट या शोरूम से भी लगा सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा, आप देख सकते हो। पीछे से कुछ ऐसा लुक आता है, लिव यंग एंड लिव फ्री की बैजिंग ऊपर के साइड में। कुछ ड्राइवर साइड का लुक बाहर से एक्सटीरियर का, काफ़ी सारे एक्सेसरीज का ऑप्शन मिल जाता है हमको बोलेरो नियो में, जो आप की शोरूम से लगा सकते हो। क्रोम फिनिशिंग बोलो या कुछ और बोलो, रूफ रेल्स का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको। ऊपर एंटीना का ऑप्शन है बोलेरो नियो में। ये कुछ इस साइड का लुक मिल जाता है हमको बोलेरो नियो का, काफ़ी अच्छी और रगेड SUV है बोलेरो नियो। थोड़े से फीचर्स चेंज हुए हैं बोलेरो नियो में, आप देख सकते हो। इंटीरियर्स में चल के देखते हैं। ये कुछ इस तरीके की लॉक अनलॉक की, ये कुछ ऐसा डोर ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे, जो कि ब्लैक फिनिशिंग में मिल जाता है आपको। अंदर से ओपन और लॉक के ऑप्शन ब्लैक फिनिशिंग में। ये कुछ 1 लीटर बॉटल स्पेस की जगह मिल जाती है यहाँ पे, ये कुछ यहाँ पे स्पेस के लिए। बाकी डोर्स के ऑप्शन और मिरर्स के ऑप्शन अंदर मिल जाते हैं आपको। अभी चलते हैं अंदर। ये कुछ अंदर का लुक बोलेरो नियो का, आप देख सकते हो। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये कॉल उठाने या कट करने के लिए ये ऑप्शंस बटन। अभी चलिए गाड़ी चालू कर लेते हैं, काफ़ी गर्म भी हो रहा है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको की का। कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देखिए, स्टार्ट होते कैसे है। आप देख सकते हो कैसे स्टार्ट होता है बोलेरो नियो। डैशबोर्ड की बात करें तो ब्लैक एंड बेज फिनिशिंग में मिल जाता है आपको डैशबोर्ड, कुछ ऐसे स्टार्ट होता है महिंद्रा राइस। आपको बहुत से फीचर्स बता देती है बोलेरो नियो, आपकी गाड़ी में क्या है और क्या नहीं है। कुछ इस तरीके का
डैशबोर्ड का फिनिशिंग बेच एंड ब्लैक फिनिशिंग में आपको मिल जाती है डैशबोर्ड। यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है बोलेरो नियो की या आई आर वी एम्स मैनुअल मिल जाते हैं आपको बोलेरो नियो में। सनशेड की बात करें तो ड्राइवर साइड में कुछ नहीं मिलता आपको, और को ड्राइवर साइड में मिरर मिल जाता है आपको यहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा फीचर है बोलेरो नियो में। यहाँ पे ऑडियो का ऑप्शन, जो कि आप माइक से बोल सकते हो कुछ, ये हैलोजन लाइट्स के कंट्रोल्स। यहाँ पे सनग्लास होल्डर या कुछ और नहीं मिलता अपने को, बस यही मिलता है। ये एसी, कुल मिला के 4 एसी मिलते हैं बोलेरो नियो में आपको। कुछ टच स्क्रीन के सिस्टम्स आप देख सकते हो, मीडिया, रेडियो, फोन, कार इंफॉर्मेशन, सेटिंग्स, साउंड, डिस्प्ले, ब्लूटूथ सिस्टम, बहुत ही अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं हमको बोलेरो नियो में आप देख सकते हो। ये कार इंफॉर्मेशन की बात करें तो फ्यूल इंफॉर्मेशन, अलर्ट्स, DRL, ई मैनुअल, बहुत ही फीचर्स मिल जाते हैं हमको इंफॉर्मेशन बोलेरो नियो में। टोटल डिस्टेंस टू MTB बता दिए है बोलेरो नियो, आप देख सकते हो 132 किलोमीटर अभी चल सकती है। ये अलर्ट्स, यहाँ पे अलर्ट्स बताती है, यहाँ पे DRLs, ई मैनुअल, मैनुअल में आपको सब पता चलेगा क्या है गाड़ी में क्या नहीं है, आप देख सकते हो सेटिंग्स। नीचे की बात करें तो यहाँ पे एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं अपने को, एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये एडजस्टेबल कंट्रोल्स, ये मैनुअल कंट्रोल्स, मैनुअल मिलता है आपको एसी का कंट्रोल्स यहाँ पे। यहाँ पे एसी को और एसी का फीचर देखिए आप। नीचे की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाती है आपको की या कुछ और के लिए, और 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है यहाँ पे चार्जिंग सर्किट के साथ। और पावर विंडो की बात करें तो ये देखिए, यहाँ से पावर विंडो एडजस्टेबल होते हैं चारों पावर विंडो, और लॉक या अनलॉक का ऑप्शन यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिल जाती है, या हैंड ब्रेक का ऑप्शन बोलेरो नियो का। और हैंड रेस्ट की बात करें तो स्पेशल सीट्स को दिए गए हैं हैंड रेस्ट, जो काफ़ी अच्छा लगा फीचर्स मुझे बोलेरो नियो में। ये कुछ क्रो ड्राइवर साइड का लुक ये देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छी और स्पेसियस है बोलेरो नियो, बस इसका नाम चेंज किया है और थोड़े से जो फीचर्स है TUV 300 के वो चेंज कर दिए है बोलेरो नियो में। इन्होंने नाम नहीं चेंज करना था बोलेरो को, इसकी वजह से बोलेरो को थोड़ा नुकसान होगा, बट कुछ नहीं है, लेने वाले तो लेते हैं गाड़ी, वैसे कुछ बात नहीं। बाकी गाड़ी तो एकदम रफ एंड टफ है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है बोलेरो नियो, आप देख सकते हो। अभी चलिए चलते हैं पीछे की साइड में, और पीछे की साइड में चलकर देखते हैं क्या क्या मिलता है। पहले तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं वार्निंग के, सेटिंग्स, ट्रिप मीटर, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और अच्छे ऑप्शन मिलते हैं बोलेरो नियो में अपने को। अभी चलिए पीछे चलते हैं, और पीछे चलकर देखते हैं हमको बोलेरो नियो में पीछे की साइड में क्या क्या मिलता है। 7 सीटर ये SUV बताते हैं, अभी स्पेसियस है या नहीं ये अभी पीछे चलकर देखते हैं बोलेरो नियो के अंदर पीछे की साइड में, पीछे की रो में आप देख सकते हो मेरा लेग स्पेस, काफ़ी अच्छा लेग स्पेस मिल जाता है हमको बोलेरो नियो में। ये डोर हैंडल्स के कंट्रोल्स, ये ओपन या क्लोज के कंट्रोल्स, ये पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। पीछे की बात करें तो यहाँ पे 1 लीटर बॉटल स्पेस की जगह मिल जाती है, और कुछ स्पेस मिल जाता है यहाँ पे, और कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है आपको बोलेरो नियो में आगे से पीछे से। यहाँ पे ऊपर की बात करें रूफ पे, तो रूफ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको, लाइट ऑप्शन नहीं का, किसी का ऑप्शन नहीं मिलता रूफ पे बस। और AC की बात करें तो बस आगे की साइड में 4 AC मिलते हैं, पीछे की साइड में कुछ AC नहीं मिलता, एक भी AC नहीं मिलता। इंडिया के गर्मी के हिसाब से पीछे AC होना था, जो TU में नहीं था वो बोलेरो नियो में देना था, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, चलो उनका भी कुछ होगा बट देना था, क्योंकि ये 7 सीटर SUV है इसलिए उन्होंने देना था बट नहीं दिया। ये देख सकते हो आप कुछ इस तरीके का फैब्रिक हमको इसमें सीट्स मिल जाती है फैब्रिक, लेदर का ऑप्शन नहीं मिलता N10 में, टॉप मॉडल में भी नहीं मिलता। कुछ इस तरह के फीचर्स यहाँ पे, आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ये देख सकते हो आप आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नीचे की बात करें तो पीछे आपको लाइट्स मिल जाता है, लाइट्स का ऑप्शन ये आप देख सकते हो,
वो भी थर्ड रो में मिलता है, बीच में तो कुछ नहीं है। अगर बीच में देखना हो तो क्या देखेंगे लोग, यहाँ पे डायरेक्ट थर्ड रो में दिया गया है। ये थर्ड रो आप देख सकते हो, यहाँ से कुछ इस तरीके का ओपन होता है थर्ड रो। काफ़ी अच्छा बूट स्पेस भी मिल जाता है हमको अगर ये सीट फोल्ड कर दे तो। बहुत सारा सामान रख सकते हैं अपन इसमें। कुछ कंट्रोल्स आप देखिए, मैं बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। जो आप गाड़ी लेने जाते हो शोरूम में, आप क्या देखते हो गाड़ी में, ज़्यादा मैं डेप्थ रिव्यू भी नहीं देता हूँ। आप क्या देखते हो गाड़ी में जाने के बाद, बस वही बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आप भी इतना डेप्थ रिव्यू नहीं देखना चाहते कि इंजन में क्या मिलता है और यहाँ पे क्या है और वहाँ पे क्या है। मैं बस उतना ही बताता हूँ जितना आपको कंफर्टेबल लगता है और सुनने में अच्छा लगता है। जो आप गाड़ी लेने जाते हो तो क्या आप देखते हो, बस उतना ही बताता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक शेयर कमेंट कर देना। थैंक यू दोस्तों।